नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरा कारण था, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या कर रखा माता सती ने, एक बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण करकर उसकी पूजन करकर अर्चना करकर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का नहीं। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया, ब्राह्मण सेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए, अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने या हमारे जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो लड्डू वो बाल शंकर जी की हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों, इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उस पर जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करे, उतना आनंद देगी। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें किसी थाली में या पात्र में जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र क्या, हम आपको कथा में कल कहा था, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें। सीधा थाली में शिवलिंग बना देते हैं, माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्माण है महाराज, तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करें। यही श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर जलाशय में कुंड में जल में बावरी में कुएं में तालाब में उसका विसर्जन करना। दूसरा कारण का, सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है।